Good morning, students. Today I am going to teach you next steps of yesterday. Here we have question 5. Circle the even numbers. आपको ये कुछ numbers दिए गए हैं, इनको इसमें even number कौन से हैं उनको circle करना है. अब जैसे आप देखेंगे तो कल हमने बताया था कि इवेन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं जो टू से डिविजिबल नहीं होते. यहाँ पर देखेंगे इस नंबर में यहाँ पर वन है, वन ऑड नंबर है. यहाँ पर देखेंगे नाइन, ये नाइन है, नाइन ऑड नंबर है और ये ज़ीरो इवेन नंबर है. तो ये पूरा नंबर भी इवेन नंबर हुआ तो हम इसे सर्कल कर देंगे, लेकिन आंसर ये है तो यहाँ पर ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है ना. इसके बाद इस नंबर देखेंगे तो 9321, इसका भी वन प्लेस ऑड है तो ये इवेन नंबर नहीं हुआ. यहाँ पर वन प्लेस 7 है, ये भी ऑड नंबर है, इवेन नहीं है. तो इनमें आप देखेंगे कि 8, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर्स में केवल ये ही नंबर है जो इवेन नंबर है, ठीक है. इस तरह सेकंड क्वेश्चन अपने से खुद से कर लीजिएगा. क्वेश्चन 6 आप देखें, राइट ऑल इवेन नंबर्स बिटवीन 1200 to 1220. 1200 से 1220 के बीच जितने भी इवेंट नंबर्स हैं उनको लिखना है. अब आप 1201 से, जब 1200 से काउंटिंग करेंगे तो 1200 के बाद 1201, 1202, 1203, 1204 ऐसे आएगा. तो 1200 के बाद 1201 आता है, वो ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो इसका मतलब इवेंट नंबर तो नहीं है, तो हमें उसका आंसर नहीं लिखना है. 1201 नहीं लिखना, 1202 लिखना है. 1202 फिर 1203 आएगा, 1203 इवन नहीं है, ऑड नंबर है, उसको नहीं लिखेंगे. 1204 ऐसे ही एक एक डिजिट एक एक नंबर्स छोड़ते हुए लिखेंगे. 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 14, 1216, 1218. इस तरह से आपके जितने भी इवन नंबर्स हैं 1200 to 1220 के बीच में वो आपको यहाँ लिखे मिल जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, राइट द प्लेस वैल्यू आर 3 इन 4, 3, 2, 1, 5. इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें लिखना है. तो प्लेस वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, इधर से वन प्लेस से काउंट करते हैं, मतलब हर डिजिट की प्लेस क्या है वो चौंक पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. लेकिन हमें 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है. 5 का वन प्लेस है, 1 का टेंस है, 2 का 100 है, तो 3 का क्या है, 1,000. तो आंसर होगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 4, 3, 2, 1, 5 is 3,000. Okay. Next question is question 8. Add this to this. इस नंबर से इस नंबर को ऐड करिए और इसमें इस नंबर